नमस्कार, वेलकम टू मार्केटिंग मैनेजमेंट क्लासेस। मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्लासेस में अभी तक हमने जाना कि मार्केटिंग क्या होता है और मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। इस सेशन में हम जानेंगे मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है। जो बिजनेस एंटिटी होती है वो आइसोलेशन में नहीं होती है। बिजनेस एंटिटी जो होती है, इट इज सराउंडेड बाई मेनी थिंग्स। कुछ लोग तो उसके भीतर भी होते हैं जो बिजनेस एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, और कुछ एक्सटर्नल साइड्स के कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस एंटिटी को अफेक्ट करती है। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट में क्या क्या ऐसे फैक्टर होते हैं। मार्केटिंग एनवायरनमेंट कहते किसको है, इसको समझने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जिस एनवायरनमेंट में एक बिजनेस एंटिटी रहती है उसको बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत से फैक्टर होते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। जो इंटरनल फैक्टर होते हैं लगभग वो कंपनी के प्रीमाइसेस के भीतर के इश्यूज होते हैं, और ऐसा मान के चला जाता है कि मोर और लेस उस पर कंपनी का कंट्रोल होता है। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी होती है, उस पर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं। कंपनी को मार्केटिंग करने के लिए इंटरनल एनवायरनमेंट की भी समझने की जरूरत है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की समझने की जरूरत है। इंटरनल एनवायरनमेंट समझेंगे तो कंपनी में जरूरत के अनुसार कुछ मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, कुछ चेंजेज ला सकते हैं, और जो भी चैलेंजेज आ रहे हैं उसको फेस कर सकते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जानना इसलिए आवश्यक है कि ये टोटल बिजनेस को अफेक्ट कर देता है। बाहर का जो भी चीज फैक्टर्स है वो अनकंट्रोल्ड है, वो टोटल बिजनेस को अफेक्ट कर देता है। तो उस जो भी चैलेंजेस है उसको टैकल कैसे करना है, ये जानने के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्टडी करनी बहुत जरूरी हो जाती है। तो ये जो ये बिजनेस एनवायरनमेंट है, और बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनल होते हैं एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, कंपनी इमेज हो गया, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर हो गया, फिजिकल असेट्स हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी हो गया, मार्केटिंग रिसोर्सेज हो गया, फाइनेंसिंग फैक्टर हो गया, ये सब इंटरनल में आते हैं। जब एक्सटर्नल में आएंगे तो एक्सटर्नल में दो व्यू है, एक माइक्रो है और एक मैक्रो है। जो माइक्रो है वो मोर और लेस कनेक्टेड विद द कंपनी, कंज्यूमर्स, सप्लायर्स। कंज्यूमर किसके, उसके प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स, सप्लायर उसके प्रोडक्ट के सप्लायर्स, कंपटीटर्स उनके प्रोडक्ट के कंपटीशन में कौन कौन है, मिडिलमैन जो एजेंट वगैरह होते हैं, पब्लिक जो अपना व्यू देती है। तो ये माइक्रो एनवायरनमेंट है, इसका सूक्ष्म तरीके से प्रभाव पड़ता है और क्लोजली प्रभाव पड़ता है। जो एक्सटर्नल होते हैं वो इकोनॉमिक फैक्टर्स, अगर वर्ल्ड में इकोनॉमिक बूम आया है तो कुछ भी प्रोडक्ट रहेगा वो सेल हो जाएगा, हाई कॉस्ट प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, और अगर कहीं डिप्रेशन आया हुआ है, कहीं मंदी छाई हुई है, छोटा मोटा आइटम भी बेचना मुश्किल हो जाएगा, तो उस समय लिमिटेड प्रोडक्शन करना है। पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट फैक्टर्स, कई जगह कुछ स्टेबिलिटी वैसी हो जाती है कि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, गवर्नमेंट चेंज हो रही है, गवर्नमेंट के चलते उनके व्यू चेंज हो रहे हैं, वो व्यू के चलते कभी कोई बोल रहा है कि टोबैको पूरा बंद कर दो, कोई बोलता है लीकर पूरा बंद कर दो, कोई बोलता है कि वो सिर्फ टाटा नमक चलेगा, वो समुद्री नमक बंद कर दीजिए। तो ये जो पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट फैक्टर होते हैं इनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और इस पर कम से कम कंपनी का तो कोई कंट्रोल नहीं है। डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं, जो भी जनसंख्या से रिलेटेड चीजें होती हैं वो इन पर फैक्टर डालती हैं। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, इंडिया में क्या है मेजोरिटी लोग जो है वेजिटेरियन है, इसलिए इंडिया में अगर आपको कोई आइटम प्रोडक्ट बेचना है तो उस पर ग्रीन सिंबल लगाया जाता है और बताया जाता है कि ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। बाकी किसी कंट्री में वेज और नॉन वेज का अगर उतना फर्क नहीं है तो वहां पर वो सिंबल लगाने की जरूरत भी नहीं है। कल्चर के अनुसार, रिलीजन के अनुसार बहुत से आइटम का सेल का टाइमिंग भी चेंज हो जाता है। इंडिया में दिवाली, दशहरा, होली के समय में शॉपिंग बढ़ जाती है, बाकी सब कंट्रीज में उनके यहाँ के पर्व त्योहार के अनुसार बदल जाते हैं। इंटरनेशनल फैक्टर्स, इंटरनेशनल फैक्टर्स होते हैं
कंट्री टू कंट्री रिलेशन, एक कंट्री का दूसरे कंट्री से रिलेशन कैसा है उसके अनुसार इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। नेचुरल फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स में क्या होता है, कंपनी जो कुछ भी प्रोडक्ट बना रही है उसके रिसोर्सेस, उसके रॉ मटेरियल का क्या है, रॉ मटेरियल स्कार्स है, रॉ मटेरियल एडिक्वेट है, रॉ मटेरियल इजिली मिल रहा है, रॉ मटेरियल मिल ही नहीं रहा है, इन सब का जो है प्रभाव मार्केटिंग इन्वायरमेंट पर पड़ता है। इसलिए मार्केटिंग इन्वायरमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अभी हम पहले देख लेते हैं, ये बता रहे हैं कि मार्केटिंग फंक्शंस आर टू बी कैरिड आउट इन ए गिवन इन्वायरमेंट। हम सब इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मीन्स सराउंडिंग, हमारा जो फिजिकल इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं, हवा, पानी, वायु, धरती, आकाश, ये सब हमारे पेड़ पौधे, ये सब हमारे इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। कुछ एनिमेट होते हैं, कुछ इनएनिमेट होते हैं, इन्वायरमेंट के ये सब पार्ट होते हैं। तो इसी तरीके से जो कोई बिजनेस एंटिटी होती है उसका भी अपना एक बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, और जब मार्केटिंग करनी हो तो उसको हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट करते हैं। तो मार्केटिंग एक्टिविटीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स इनसाइड एंड आउटसाइड अ बिजनेस फर्म। दीज फैक्टर्स और फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग और आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट में क्या होता है, बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं, चाहे इंटरनल फैक्टर हो चाहे एक्सटर्नल फैक्टर हो, ये मार्केटिंग को अफेक्ट करते हैं। कितना सेल होगा कितना सेल नहीं होगा, बहुत ज्यादा उसका फर्क उस पर पड़ता है, इसलिए इसको जानना ज्यादा जरूरी हो जाता है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल और इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स that affect the marketing strategy of a particular organization or goods or services. जो भी कंपनी की अपनी प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है कि किस तरीके से मुझे अपने आइटम्स को रोल आउट करना है, कैसे प्रोडक्ट को या सर्विसेज को सेल आउट करना है, उनकी जो प्लानिंग है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो मार्केटिंग पे, जिस फैक्टर का प्रभाव पड़ता है उसे मार्केटिंग एनवायरनमेंट के नाम से जाना जाता है। बेसिकली रेफर्स टू फैक्टर्स एंड फोर्सेस दैट अफेक्ट्स अ फर्म्स एबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन सक्सेसफुली रिलेशंस विद द कस्टमर्स। कस्टमर के बीच से कैसे संबंध रखना है इस पर ये प्रभाव डालते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कुछ माइक्रो एनवायरनमेंट होते हैं, स्मॉल फोर्सेस विद इन अ कंपनी दैट अफेक्ट्स इट्स एबिलिटी टू सर्व इट्स कस्टमर। कंपनी के भीतर का है। मेसो एनवायरनमेंट है द इंडस्ट्री इन विच कंपनी ऑपरेट्स एंड द इंडस्ट्रीज मार्केट। जब कंपनी की बात करेंगे ना, तो मैं मान लेता हूँ चीनी का मिल का है, तो एक धामपुर शुगर मिल है, शक्ति शुगर मिल है, बलरामपुर शुगर मिल है। तो ये जो धामपुर शुगर मिल है ये कंपनी है, धामपुर शुगर मिल जो है कंपनी है, और सारे इंडस्ट्री, सारे शुगर इंडस्ट्रीज को मिला दीजिए, ये एक इंडस्ट्रीज हो गया। शुगर इंडस्ट्रीज है, एक वेराइटी है, ये शुगर इंडस्ट्रीज है, और शुगर इंडस्ट्रीज में बहुत से कंपनीज हैं। इसलिए जब कंपनी के कंट्रोल की कुछ चीजें होंगी तो उसको माइक्रो एनवायरनमेंट कहेंगे, जब इंडस्ट्रीज के कंट्रोल की चीजें होंगी तो उसको मेसो एनवायरनमेंट कहेंगे, और माइक्रो एनवायरनमेंट वो होते हैं लार्जर सोसाइटल फोर्सेस दैट अफेक्ट द माइक्रो एनवायरनमेंट। ये एक्सटर्नल फोर्सेस हो सकते हैं। इस तरीके से इसको हमने देखा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चेंजिंग कंज्यूमर इनकम्स, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, चेंजिंग गवर्नमेंट एजेंसीज एंड शिफ्टिंग कंज्यूमर वैल्यूज आर एग्जांपल्स ऑफ द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट में क्या होता है, कंज्यूमर का इनकम कैसा हो रहा है। दिवाली दशहरा के समय में बोनस दिया जाता है। हम इंडिया में एक पैटर्न है, एक ट्रेडिशन है कि दिवाली दशहरा के आसपास में कुछ बोनस दिया जाता है, और उस बोनस के चलते दिवाली दशहरा के समय में कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाता है और परचेजिंग भी बढ़ जाती है, कंपनी वालों की सेल भी बढ़ जाती है, ये देखा गया है। दिस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स दोज थिंग्स दैट आर एक्सटर्नल, लार्जली अनकंट्रोलेबल, चेंजिंग कॉन्स्टेंटली एंड पोटेंशियली रिलेवेंट। एनवायरनमेंट में बता रहा है कि इंटरनल भी फोर्सेज होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। अब प्रश्न ये है कि हमें मार्केटिंग एनवायरनमेंट को पढ़ना ही क्यों। तो इसका कारण ये है कि एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट फोर्सेज इट्स इज एसेंशियल फॉर प्लानिंग। आपको मार्केटिंग की प्लानिंग करनी है,
कितना प्रोडक्शन करना है, किस तरीके से उसको सेल करना है, इसकी प्लानिंग तो करनी है। इसको प्लानिंग करने के लिए मार्केटिंग एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है। हेल्प्स अ बिजनेस टू कम्पीट मोर इफेक्टिवली अगेंस्ट द राइवल्स, जो आपके कंपटीटर्स हैं मार्केट में। अगर आप साबुन बना रहे हैं तो बहुत सामान साबुन बनाने वाले कंपटीटर होंगे, तो जो आपके कंपटीटर्स हैं उनको कंपीट करने के लिए भी मार्केटिंग एनवायरनमेंट का नॉलेज होना जरूरी है। असिस्ट इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, जब भी कोई कैलेमिटी आएगी, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा, कुछ लोगों के लिए वो प्रॉब्लम होता है और कुछ लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपने ठीक से उसकी स्टडी कर लिया तो आपके ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी वो बन सकती है जो बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम है। तो इसलिए भी इन मार्केटिंग एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है। इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशंस टू टेक एडवांटेजेस ऑफ इमर्जिंग स्ट्रेटजिक अपॉर्चुनिटीज, अपने रह रह के अपने क्या करना है, कंज्यूमर बेस को बढ़ाना है। कंज्यूमर बेस को बढ़ाने के लिए भी मार्केटिंग एनवायरनमेंट का स्टडी जरूरी है। इसके इंपॉर्टेंस क्या है, द एनवायरनमेंट इज कंटिन्यूअली चेंजिंग, सो पर्पसफुली स्कैनिंग बाय मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू कीप अपडेट। एनवायरनमेंट हमेशा चेंज हो रहा है, कंज्यूमर का माइंड चेंज हो रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज होते हो रहे हैं। उस चेंजिंग फैक्टर्स के साथ आपकी स्ट्रेटजी भी चेंज करनी है, अगर नहीं चेंज करेंगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। स्कैनिंग इज नेसेसरी टू डिटरमाइन विच फैक्टर्स इज एनवायरमेंटल पोज अ थ्रेट टू द एंटरप्राइज प्रेजेंट गोल्स एंड स्ट्रेटजी, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो बिजनेस के लिए थ्रेट बन सकता है उसको स्टडी करना जरूरी है। स्कैनिंग इज ऑल्सो नेसेसरी टू डिटरमाइन विच फैक्टर इन द एनवायरमेंट प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द, आपको थ्रेट तो देखना ही है, इसके बाद से ये भी स्टडी करने से ये भी पता चलता है कि मेरे ग्रोथ के लिए कहाँ कहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अपॉर्चुनिटी वो तो देखना है ग्रोथ के लिए। इंटरप्राइजेस दैट स्कैन द एनवायरनमेंट सिस्टमेटिकली आर मोर सक्सेसफुल देन दोज दैट डू नॉट। आपको जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं जानते हैं तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। आपको घर से निकलना है और कोयम्बतूर आना है, आपको पता नहीं चला कि क्या हुआ है क्या नहीं, रास्ता जाम हो गया, कहीं पर चक्का जाम हो गया, कहीं पर ट्रेन जाम हो गई है, नहीं निकल पाएंगे ना। तो पहले से आपको ये सब पता होनी चाहिए, अगर पहले से पता होगा तो आप अपनी प्लानिंग चेंज कर सकते हैं। चलो भाई नेक्स्ट वीक चलेंगे, थोड़ा कूल डाउन हो जाता है तब हम चलें। तो इसलिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स को समझना बिजनेस एंटिटी को रन करने के लिए नितांत आवश्यक है। कंपनी की जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी अचीव करने के लिए एनवायरमेंटल स्टडी करनी जरूरी पड़ती है, इसके सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए भी जरूरी पड़ती है, और टू जनरेट न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए भी मार्केटिंग एनवायरमेंट की स्टडी की जरूरत पड़ती है। कंपनी के नए नए टारगेट को सेट करना है उसको एनवायरमेंट की स्कैनिंग करके ही पता किया जा सकता है। मार्केटिंग एनवायरमेंट इज दैट विच इज एक्सटर्नल टू द मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शंस, लार्जली अनकंट्रोलेबल, पोटेंशियली रिलेवेंट टू द मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग एंड चेंजिंग। कहने का मतलब कि मार्केटिंग जो भी एनवायरमेंट है कई बार वो कंट्रोलेबल होता है, कई बार अनकंट्रोलेबल होता है, उसको जानना जरूरी है। इसमें बता रहे हैं कि एनवायरमेंटल एनवायरमेंट ऑफर्स बोथ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। जब भी कोई थ्रेट होगा किसी न किसी के लिए अपॉर्चुनिटी होगी, जब किसी के लिए अपॉर्चुनिटी होगी तो वो किसी न किसी के लिए थ्रेट होगा। इसके जानकारी से क्या होता है, इनहेंसेस एबिलिटी टू एंटिसिपेट प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन द लॉन्गर टर्म। अगर आपने इन्वायरमेंटल स्कैनिंग मार्केटिंग इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कर ली है तो आपको प्रॉब्लम एंटिसिपेट करना आ जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि इस समय में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, उसके अनुसार अपनी स्ट्रेटजी बदल सकते हैं, बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। सीनियर मैनेजमेंट अवेयरनेस ऑफ ए रेंज ऑफ पॉसिबल फीचर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेटर इंक्लाइनेशन टू एक्ट इन एडवांस ऑफ द चेंजेस। चेंज हो रहा है ना, चेंज के बाद तो सब बदलते हैं, राइट टाइम पे जो उसके अनुसार बदल जाए, राइट टाइम पे उसके लिए जो प्रोडक्ट और सर्विसेज लेकर के आ जाए, सक्सेसफुल हो जाते हैं वो। स्ट्रेटजिक प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में भी इसका जरूरत पड़ता है। रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट के लिए भी आपको एनवायरमेंटल स्टडी की जरूरत पड़ती है। इंडस्ट्री एंड मार्केट एनालिसिस के लिए भी आपको मार्केटिंग एनवायरमेंट का अंडरस्टैंडिंग जरूरी है।
डाइवर्सिफिकेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन के लिए भी आपको ये गाइड करता है. क्या गाइड करता है? मार्केटिंग इन्वायरमेंट. ओवरसीज बिजनेस के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स है और उसको भी जानना जरूरी है कि किस कंट्री में कौन सा कल्चर चल रहा है, किस कंट्री में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, किस कंट्री में किस चीज का डिमांड ठीक ठाक चल रहा है, ये जानना जरूरी है और इसी को हम लोग मार्केटिंग इन्वायरमेंट कहते हैं. तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट एक बिजनेस का एक सराउंडिंग है. कुछ इसके इनसाइड फैक्टर्स भी हैं और कुछ इसके आउटसाइड फैक्टर्स भी हैं. इनसाइड फैक्टर्स पर कुछ कंट्रोल कंपनी का हो सकता है, आउटसाइड का जो फैक्टर्स हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उस पर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता, बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द कंपनी. तो कंपनी का कंट्रोल भले ना हो, लेकिन अगर बढ़िया से मार्केटिंग एनवायरनमेंट की स्कैनिंग की जाए तो वो जो भी चैलेंज आ रहा है उसको कैसे फेस करना है, इतना तो मैनेजर जान ही जाएगा. और जो कुछ भी क्राइसिस आ रही है उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके जानने के लिए भी मार्केटिंग एनवायरनमेंट की स्टडी करनी आवश्यक है. अगले सेशन में हम देखेंगे मार्केटिंग एनवायरनमेंट के कौन कौन से फैक्टर हैं. तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग. नमस्कार.